चलो आज का चैप्टर हमारा रहेगा, चैप्टर का टॉपिक रहेगा डिगो रेप्लो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एलिमेंट के नाम कहाँ से स्टार्ट होता है डी ब्लॉक? मैंने आपको बोल दिया था, आप याद कर लेना। 21 से, मतलब स्कैंडियम से, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, बोलते जाओ आप लोग। चलो स्टार्ट करते हैं। ये डी ब्लॉक, डी ब्लॉक पढ़ने, डी और ए ब्लॉक चैप्टर है, लेकिन हमने लिखे हैं अभी डी ब्लॉक के एलिमेंट के नाम। ठीक है, ये कहाँ से शुरुआत होती है इसकी? स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। इसको हम बोल सकते हैं, इसको 3D सीरीज भी बोलते हैं। 3D सीरीज क्यों बोलते हैं, हम आगे देखते हैं। सेकंड सीरीज की स्टार्ट होती है, इसको बोलते हैं 4D सीरीज, और नेक्स्ट इसको बोलते हैं 5D सीरीज। आखिर इसको 5D सीरीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एंटर करता है 3D ऑर्बिटल में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, 3D सीरीज बोलते हैं। इस सीरीज को 4D सीरीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 4V ऑर्बिटल में एंटर करता है। इसको 5D सीरीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 5D ऑर्बिटल में एंटर करता है। ठीक है, कुछ एलिमेंट की विशेषता मैं आपको बता देता हूँ। ये एलिमेंट को क्या आपने बार बार नहीं देखा है? ये एलिमेंट एक जगह यूज किए जाते हैं बार बार। कहाँ पे यूज किए जाते हैं बताओ? बहुत सारे रिएक्शन में आए, रिडक्शन में। हाँ, यूज्ड फॉर हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन के लिए यूज किए जाते हैं। देखा होगा आपने, है ना, एज अ कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं, ऐसा लिख सकते हो आप। इन एलिमेंट की भी कुछ विशेषता है, ये जब हमने मेटलर्जी पढ़ा था तो उसमें कोइनेज क्या वो, हाँ इनको क्या बोलते हैं, कोइनेज मेटल बोलते हैं। आप लोगों ने नहीं पढ़ा है मेटलर्जी, लेकिन इनको कोइनेज मेटल बोलते हैं क्योंकि पुराने समय में इनके सिक्के चलते थे कॉपर गोल्ड, इसलिए इसको कोइनेज मेटल भी कहा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से इसकी भी कुछ विशेषता है। तो क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, इसको बोला जाता है स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। पहली बात तो समझने वाली बात यह है कि आखिर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते किसको हैं? स्यूडो तो दूर की बात है, स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट आखिर हम कहते किसको हैं? कोई बताएगा, कोई बता सकता है ट्रांजिशन एलिमेंट किसको कहते हैं? हम रिकॉर्डिंग को रोक देते हैं। लगाओ दिमाग, बताएगा कोई? एटम और आयन। चलो, हमारा क्वेश्चन था कि ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं, तो जिसमें जिसमें हाफ फिल्ड और क्या बोल सकते हैं, हाफ फिल्ड और हाफिल ऑर्बिटल समझते हो, या बोल सकते हो जिसमें एक एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, या जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन N-1d ऑर्बिटल में एंटर करता है, उसे तो हम क्या बोल देंगे, डी ब्लॉक के एलिमेंट किसे बोलेंगे? अब ये तो बेसिक सी डेफिनेशन है। केस ब्लॉक के एलिमेंट किसको बोलते थे, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर करता है? पी ब्लॉक के एलिमेंट किसको बोलते हैं, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में एंटर करता है? डी ब्लॉक के एलिमेंट किसको बोलेंगे, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एंटर करता है? अब डी ब्लॉक पढ़े तो जनरल बड़ी कॉमन सी बात है कि जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एंटर करता है उसे हम डी ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं, जिसमें हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं, है ना, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ही बोलूंगे आप इसको। ठीक है, आप पे ये आज ना, हाँ पार्शियली फिल्ड भी बोल सकते हैं इसको, पार्शियली फिल्ड, या फिर वैकेंट डी ऑर्बिटल हो, वैकेंट डी ऑर्बिटल हो तो वो भी ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, है ना, फुल फिल्ड होगा तो वो नहीं होगा। अब क्वेश्चन ये था हमारा
ये जिंक, केडमियम और मरकरी को स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं? तो इसके लिए हमको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। तो पहले काम करते हैं, हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कैसे रखें। कम से कम 21 से 30 तो हमको आना ही चाहिए। चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देख लेते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ये कितने नंबर पर आएगा? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। पहली बात तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, डिफरेंस में हमको बताना पड़ेगा। डीप लोक के एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन क्या होता है? डी ब्लॉक के एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N-1 D NS 0 to 2 हाँ। अभी one to N-1 two. का 0 to 2 भी हो जाएगा, ठीक है? किसी में 0 भी शो करेगा एक्सेप्शन होते होते। तो देखो इसका मतलब समझ में आ रहा है? N का मतलब क्या है? N-1 का मतलब क्या है? देखो ये न्यूक्लियस है, मान लो ये N है, अंदर वाला क्या हो जाएगा? N-1, और अंदर वाला क्या हो जाएगा? N-2। इसको हम बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल। तो विशेषता तो यही है, डी ब्लॉक के एलिमेंट में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन, ऐसा बोल सकते हो आप, N-1d ऑर्बिटल में इंटर करता है। जैसे कि करके देखें हम, अगर मान लो, खुद से बताओ आप, ये कौन से पीरियड में आता है? ये जो हमने सीरीज लिखी है, थ्री डी सीरीज, ये कौन से पीरियड में आती है? ये फोर्थ पीरियड में आती है। अगर मैंने यहाँ पर 4 रखा है ना, तो ये क्या बन जाएगा? 4s है ना, 0 से 2 हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। अगर यहाँ पे मैं 4 रख देता तो 4-1 कितना हो जाएगा? और यहाँ पर आएगा 1 to 10 है ना, क्योंकि d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर बन जाएगा हमारा 3d 1 to 10। तो हमको पता चल गया यहाँ से किसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा। स्कैंडियम का आप नॉर्मली भी करके देख सकते हो, क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 होता है, हमको पता है, यहीं से निकल गया। यह मेन चीज यहाँ पे, ठीक है? लेकिन हमको इतना बार बार थोड़ी लिखना है कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, ये तो करना, अब हम डायरेक्ट करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आते तो चैप्टर होते ही नहीं है। पहली बात तो ये है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आना ही चाहिए। तो देखो शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, ट्रिक याद रखना, क्योंकि बार बार मैं पूछूंगा। देखो अच्छा, मैं खुद से बताओ, ये जब 21 पर आ रहा है तो इसके पहले कौन सी इनर्ट गैस आती है? हीलियम आती है, नियोन आती है, आर्गन आती है, इसके जस्ट पहले कौन सी इनर्ट गैस आती है? आर्गन आती है, ठीक है, आर्गन। हाँ, तो हम उसको क्या लिख देंगे? बड़े ब्रैकेट में लिख देंगे, और सभी के आगे, इस ग्रुप में सभी के आगे क्या जाएगी? आर्गन आ जाएगी, और शॉर्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। अब आर्गन लिख दिया, मतलब हमको 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 तक लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अब क्या करो, अब हमको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहा है, 4s और 3d में जा रहा है। तो देखो करना क्या है, याद रखना है 4s2 यहीं से उठा लेना, यहाँ पर 1 दिख रहा है, 3d1, 4s2 2 आ गया, 3d2, फिर क्या हो जाएगा, 4s2 3d3, यहाँ पर क्या गया, 4, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है, 4s1 3d5। याद हो तो 11 में हमने करा था कि क्रोमियम और कॉपर में एक्सेप्शन है, क्योंकि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल। तो दो चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो इसका वही चलेगा, 4s2
फाइव है तो फाइव लिख दो, 35। यहाँ पर 4s2 6 है, लिख दो 3d 6। 4s2 3d 7। 4s2 3d 8। अब एक्सेप्शन है, दो में एक्सेप्शन याद करना है आप, क्रोमियम और कॉपर में। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4s1 3d 10। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4s2 3d 10। ये हो गया हमारा सिंपल सा। जो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है वो एक और बार देख ले। इसके लिए क्या आना चाहिए, हम ये बता रहे हैं कि शॉर्ट में कैसे लिखे। अगर आपको एटॉमिक नंबर आता है तो एग्जाम फटाक से आ जाएगा। अच्छा, कोबाल्ट 27, सर ने बताया था 4s2 3d 7। याद करने की जरूरत थोड़ी, 1s2 2s2 आप नहीं चलता ऐसा, वो तो आपको बेसिक सिखा दिया, शॉर्ट में काम होना चाहिए। यहाँ वन लिखा था, अच्छा 21 वन लिया, 4s2 31, 4s2 32, और इसके नीचे क्या आ जाएगा जस्ट अपोजिट। अब 3D सीरीज है, अगर 4D होती मतलब ये कितने में आ रहा था, 4 पीरियड में, अगर 5th वाला होता उसका उसका क्या बन जाएगा। यहाँ पर रख दो 5s, ये हो जाएगा 5s 0 to 2, और ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा ये 4D 1 to 10। और नीचे वाले में चले जाओ 6 0 to 2, और ये क्या हो जाएगा 5D 1 to 10। तो आपका ऑटोमेटिक सभी बन जाएगा। कुछ एक्सेप्शन बहुत सारे हैं, एक्सेप्शन देख लेना आप किस चीज में एक्सेप्शन है। जैसे कि कॉपर आया तो कॉपर के नीचे सिल्वर है, तो जो कॉपर का एक्सेप्शन है वही सिल्वर का एक्सेप्शन रहेगा, गोल्ड का भी वही रहेगा। तो आपको ये चीजें खुद से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या था कि जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये चलो हमारा क्वेश्चन क्या था, जिंक, कैडमियम और मरकरी को हम स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं, या फिर इनको एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर क्यों नहीं कर पा रहे। तो ट्रांजिशन एलिमेंट उसको कहते हैं जिसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल हो, या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो, या पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इसमें आप खुद से दिमाग लगा लो। जिंक का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा मैं, डायरेक्ट लिखूंगा इसका क्या हो जाएगा, 4s2 3d 10। ये तो निकालना हमने सिखा दिया आप लोगों को, लेकिन जस्ट इसके नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5s2 4d 10। इसके जस्ट नीचे क्या आ रहा है, मरकरी 6s2 5d 10। तो देखो यहाँ तो सभी फुलफिल्ड आ रहे हैं ना, और हम ट्रांजिशन एलिमेंट की कंडीशन क्या दे रहे हैं, हाफ फिल्ड होना चाहिए, वेकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होना चाहिए। यहाँ तो फुल फिल्ड है, ये नहीं, इसके आयंस भी क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। कंडीशन क्या बनती है, ध्यान से सुन लेना, कि ट्रांजिशन एलिमेंट कौन होते हैं, नॉर्मल कंडीशन में हो, या उसके अगर आयंस भी हाफ फिल्ड हो या पार्शियली फिल्ड हो तो ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे। हमने चेक कर लिया नॉर्मल कंडीशन में तो नहीं है, लेकिन आयंस की फॉर्म में अगर देखें तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में से निकलेगा, न्यूक्लियस है, आउटर मोस्ट शेल में से ही इलेक्ट्रॉन निकालेंगे कि अंदर वाले शेल से हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन पहले रिमूव होंगे। देखो यहाँ से अगर दो इलेक्ट्रॉन रिमूव भी हो जाए तो एक क्या बचेगा, Zn2+, लेकिन उसके बाद भी 3d बचेगा। यहाँ पर यहाँ से भी दो इलेक्ट्रॉन निकाल दो, ये भी +2, ये भी क्या जाएगा +2, तो यहाँ पर फिर भी डी 10 ही रहेगा। इस कारण इसको ऐसे ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं करते हैं। चलो ठीक, तो क्वेश्चन हमारा था व्हाई जिंक, कैडमियम एंड मरकरी वी आर नॉट कंसीडर एज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो अगर हमको ऐसी लैंग्वेज में, मतलब जो बुक की लैंग्वेज में अगर, या फिर सिंपल लैंग्वेज में अगर सॉल्यूशन देना है तो क्या देंगे, देन डू नॉट हैव पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन न्यूट्रल और इन एक्साइटेड स्टेट, सो दे कैन नॉट शो द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बस इतना रीजन आप दे दो कि जो डी ऑर्बिटल क्या रहेंगे, पार्शियली फिल्ड रहेंगे, या फिर एक्साइटेड स्टेट में अगर पार्शियली फिल्ड है ना, तो उनको ही हम एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर करते हैं। बस इससे ज्यादा कोई रीजन बनता ही नहीं है। चलो स्लाइड में देखते जाओ फटाफट, हमने शुरुआत करी थी।
डी और ए ब्लॉक हम पढ़ रहे हैं। पहला टॉपिक हमारा ये था, थ्री डी सीरीज है ना, स्कैंडियम से लेकर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। फोर डी सीरीज में ये एलिमेंट आएंगे हम बता चुके आपको, फाइव डी में आए। फिर हमने ये भी बता दिया आपको कि निकिल, पैलेडियम और प्लेटिनम ऐसे हम क्या यूज करते हैं, हाइड्रोजनेशन ऐसे कैटलिस्ट यूज करते हैं। कॉपर, जिंक और गोल्ड इसको क्या बोलते हैं, कोइनेज मेटल्स बोलते हैं। जिंक, कैडमियम और मरकरी को क्या बोलते हैं, सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ये जब यहाँ हमने समझाया आप, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट आर डी ब्लॉक एलिमेंट बट नॉट ऑल एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, व्हाई? तो इसकी जो प्रैक्टिकली डेफिनेशन है ये रहेगी, थ्योरेटिकल जो आपको देना है कि दे डोंट हैव पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन न्यूट्रल और इन एक्साइटेड स्टेट, सो दे नॉट शो द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये आपको मैं निकाल करके बता चुका हूँ, इतना ही रीजन दोगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो हम पहली प्रॉपर्टी पे चलते हैं, इसकी पहली प्रॉपर्टी पे। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकता। व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? न्यूक्लियस से जो और आउटर मोस्ट सेल की जो डिस्टेंस रहती है वो एटॉमिक रेडियस होती है ना, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियर टू द आउटर मोस्ट सेल इट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस विल बी इंक्रीज और डिक्रीज। श्योर 100%? और ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस विल बी इंक्रीज। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन सुनना। तो फिर आप ये भी बता सकते हो कि कॉपर और जिंक में से किसका साइज ज्यादा होगा, थ्री डी सीरीज की हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन आ सकता है, बताओ किसका साइज ज्यादा होगा। आप जो कॉन्सेप्ट लगा रहे हो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट एटॉमिक जिंक का, इंक्रीज, जिंक का साइज क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, है ना, जिंक का साइज ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस विल बी डिक्रीज, तो जिंक साइज इज इंक्रीज, सही है, एकदम करेक्ट, सोच लो सही। yes, सभी बच्चे श्योर हैं? कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा, हम ये बात कर रहे हैं कि जो हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियड टेबल में तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। आप बोल रहे हो मूविंग लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज विल बी डिक्रीज, और यहाँ आप बोल रहे हो जिंक साइज इज इंक्रीज, व्हाई? एटॉमिक रेडियस क्या होते हैं, न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन है उसके बीच की जो भी डिस्टेंस रहेगी उसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। फिर हमने पढ़ा था कि जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियडिक टेबल में तो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि दो फैक्टर काम करते हैं, एक तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस जितना पावरफुल होगा शेल को उतनी अट्रैक्ट करेगा और उसका साइज क्या हो जाएगा, उतना ही कम हो जाएगा, किधर, लेफ्ट टू राइट। लेकिन अब पीरियडिक टेबल में डाउन द ग्रुप जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल इज इंक्रीज, तो एटॉमिक साइज विल बी इंक्रीज, एटॉमिक साइज बढ़ेगा, ठीक है। अब जब हम ये कॉन्सेप्ट पे आते हैं तो होना क्या चाहिए था, स्कैंडियम, टाइटेनियम, इसको एक ग्राफ से समझ लेते हैं। देखो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, निकिल, कोबाल्ट, कॉपर और जिंक, साइज डिक्रीज होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं देखा गया है। प्रैक्टिकली क्या हुआ, ध्यान से देखना इस चीज, भूमिका ने 11 में पढ़ चुकी हो बेसिक, तो उसने करेक्ट जवाब दे दिया, हमें ग्राफ बना लेते हैं। देखो क्या होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक, ये क्या हुआ,
स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, 11 का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, साइज विल बी डिक्रीज। आपने जो पढ़ा गलत नहीं पढ़ा है कॉन्सेप्ट, लेकिन डीप लोग में कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट आ गया है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज तक साइज डिक्रीज हुआ, आयरन, कोबाल्ट, निकिल तक कॉन्स्टेंट हो गया लगभग, और कॉपर और जिंक तक बढ़ गया। तो इसके हिसाब से आएगा, मतलब ये जो ओरिजिनल डाटा आएगा उसके अकॉर्डिंग जिंक का साइज बड़ा होगा, लेकिन आप अगर 11 के हिसाब से चलते हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाता, कॉपर का साइज बड़ा हो जाता। लेकिन ये तो गलत हो गया, जो प्रैक्टिकली थ्योरी है ये, और इसका रीजन भी हम दिए थे। अब क्या होता है देखो, ये तो 3D है, अगर आप 4D बनाओगे, 4D बना दोगे, 4D भी ऐसा ही जाएगा और उसका भी वही रीजन रहेगा। लेकिन जब आप 5D बनाते हो तो 5D में क्या होता है, 5D में देखो, 5D थोड़ा नीचे आ जाएगा और ये इसके ऊपर ही लाइनिंग आ गई है। होना क्या चाहिए था एक्चुअल में कि जो लाइन है, अगर इतना गैप है तो 5D में भी तो इतना गैप होना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या हुआ, इतना गैप क्यों हो गया, क्या रीजन है इसका, इसका रीजन भी हमको फाइंड करना। तो पहले मैं एक एक कॉन्सेप्ट का रीजन दे रहा हूँ, पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट का रीजन दे रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, साइज डिक्रीज, कॉन्स्टेंट और इंक्रीज, व्हाई। जो मुझे वीडियो में देखने वाले बच्चे हैं, आप एक और बार ध्यान से सुन लो, हम एटॉमिक रेडियस की चर्चा कर रहे हैं। हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है, तो 11 में हमने पढ़ा है न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन रहेगा उसकी डिस्टेंस, उसको हम एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। वो कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन 11 का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ है कि यहाँ पर जो ये सीरीज है, 3D सीरीज में जो एलिमेंट आते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक, क्या होना चाहिए था, डिक्रीज होना चाहिए था। लेकिन ग्राफ में क्या हुआ, डिक्रीज, कॉन्स्टेंट, इंक्रीज, व्हाई, रीजन क्या है, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर इसका रीजन पता चलेगा तो ये ग्राफ का रीजन तो वही है सभी में, इसका भी वही है, 3D का भी वही है, 4D का भी वही है, 5D का भी। लेकिन यहाँ क्या हुआ, ये जो 4D बना है, 5D तो यहाँ बनना चाहिए था, लेकिन इसके ऊपर क्यों बन गया, ये इसके ऊपर लाइनिंग क्यों आ गई, इसको बोलते क्या है, मैं लिख देता हूँ। इसको बोलते हैं, पहली बात तो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, इसको बोलते हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन, जो कि हम बाद में आपको समझाएंगे, पहले एक रीजन आज मैं दूंगा, है ना। लेंथेनाइट और एक्टिनाइट किसे कहते हैं ये भी हम बता देते हैं। लेंथेनम के बाद जो भी एलिमेंट आते हैं उसको हम लेंथेनाइट बोलते हैं, और एक्टिनम के बाद जो भी एलिमेंट आते हैं उसको हम एक्टिनाइट बोलते हैं। और ये दोनों किस चीज की बात हो रही है, ये है ए ब्लॉक में, आप पीरियड टेबल देखना, ए ब्लॉक में आ जाएंगी। अब मैं आपको रीजन देता हूँ ये आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो ध्यान से देखो आप लोग, कॉन्सेप्ट समझ गए तो सब समझ। नंबर वन रीजन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, पहली बात तो न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस पे जो भी चार्ज होगा उसको क्या बोलेंगे, हम न्यूक्लियर चार्ज बोलेंगे, ठीक है। न्यूक्लियस पे चार्ज कैसे जनरेट होता है, बहुत कॉमन, बहुत सिंपल बात है, देखो जितना एटॉमिक नंबर बढ़ेगा प्रोटॉन की काउंटिंग भी बढ़ेगी, प्रोटॉन मतलब प्लस, और न्यूक्लियस में हमेशा प्लस चार्ज होता है, तो जितना प्रोटॉन की काउंटिंग बढ़ेगी न्यूक्लियर चार्ज उतना ही बढ़ेगा, या बोल सकते हो जितना एटॉमिक नंबर बढ़ेगा न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, उतना ही ज्यादा हो। और खुद से दिमाग लगाओ कि एक छोटा सा प्लस है, कई बार मैंने कॉन्सेप्ट बताया, छोटा सा प्लस है वो पावरफुल रहेगा, ये थोड़ा ज्यादा प्लस हो जाए तो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो सिंपल सी बात समझ में आती है कि अगर ज्यादा पावरफुल है
तो इलेक्ट्रॉन को तेजी के साथ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। एक तो ये होता है और दूसरा होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट या इसको हम बोलते थे शील्डिंग इफेक्ट, इसके बारे में तो आइडिया होना ही चाहिए, शायद ग्राउंड में हमने एक्टिविटी की भी की है इसके बारे में। स्क्रीनिंग इफेक्ट को हम ऑनलाइन के माध्यम से समझे आप, ठीक है। अभी देखो, अभी तुम मोबाइल को देख रहे हो, देख रहे हो मोबाइल को, देख रहे हो अच्छी तरीके से, देख पा रहे हो है ना, मतलब मोबाइल से अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। अभी मोबाइल को तुम अपने हाथों से खींच सकते हो, आप इतने पावरफुल हो जाओ कि मोबाइल को अपने हाथों से खींच लो, ठीक है। और अगर सोचो एक दीवार आ जाए, दीवार दीवार खड़ी कर दे यहाँ पर, तो क्या आप इसको खींच पाओगे? स्क्रीन आ गई, स्क्रीन आती क्यों, हम देख लेंगे, नहीं खींच पाओगे ना। मतलब अगर स्क्रीन आ जाए, स्क्रीन आ जाए तो क्या हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा, आप उससे दूर हो जाओगे कि नहीं। स्क्रीन आ जाए तो आप दूर हो जाओगे, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। मतलब स्क्रीन अगर बहुत अच्छी हो, शील्डिंग अगर टाइट हो, तो क्या हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा। लेकिन शील्डिंग अगर वीक हो, तो मुझे मोबाइल मान लो आपने जो दीवार लगाई उसमें थोड़ा सा भी अगर स्पेस है, तो आपके हाथ से इस मोबाइल को नहीं खींच सकते। हाँ खींच सकते हैं, है ना। तो शील्डिंग जितनी अच्छी रहेगी, क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक रिपल्शन। अब इसको डायग्राम के थ्रू समझो, हम कहना चाहते हैं यहाँ पर किस तरीके का इफेक्ट काम कर रहे हैं। पहली बात तो ये, आखिर हो क्या रहा है डी ब्लॉक में, मैंने आपको बता चुका हूँ, ये एन रहेगा और ये क्या रहेगा, एन माइनस वन, क्योंकि सभी के लिए हमको रीजन देना है, ठीक है। इसमें तो दो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में जा रहे हैं, ये बात भी है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहे हैं, इसको इससे समझो, यहाँ पर क्या था, 4s2 स्कैंडियम का क्या था, 4s2 3d, 1 2 3 4, ऐसा चलेगा। देखो तो देखो, दो इलेक्ट्रॉन तो आ गए, अब देखो 3d 1, ठीक है। अब हमारा कॉन्सेप्ट है चार्ज बढ़ा, एक इलेक्ट्रॉन अंदर आया, चार्ज बढ़ेगा, समझने के लिए तो साइज अभी कम होगा, अभी तो कुछ काम ही नहीं कर रहा है इफेक्ट, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन आया, और चार्ज बढ़ेगा, अभी भी क्या होगा, अभी कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर जितना पावरफुल रहेगा, उसका साइज उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अभी कौन सा फैक्टर काम कर रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कहां तक काम करता है ये, 1 2 3 4 और 5, यहां तक क्या होगा, साइज धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये लाइन का मतलब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, यहां तक कौन सा फैक्टर काम कर रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब समझ गए, एटॉमिक नंबर बढ़ा, इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग भी बढ़ी, इलेक्ट्रॉन की काउंट, प्रोटॉन की काउंटिंग बढ़ी, प्रोटॉन की काउंटिंग बढ़ी तो न्यूक्लियस क्या हो गया, पावरफुल हो गया, पावरफुल हो गया तो उसने क्या कर दिया, साइज क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। अब दूसरी कंडीशन, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही आया तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो काम कर ही रहा था, लेकिन यहां पर क्या हुआ, इस इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन में क्या चालू हो गया, रिपल्शन। रिपल्शन मतलब अट्रैक्शन और रिपल्शन, ध्यान से देखो मेरे हाथों को, ये अट्रैक्ट कर रहा है लेकिन ये रिपल्शन भी कर रहा है। मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इन दोनों में, फिकोनी में अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स दोनों क्या है, इक्वल है। भाई वो न्यूक्लियस अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो जो वो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, उसको रिपेल कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, मतलब अट्रैक्शन फोर्स कहां से, इसका तो क्या हो रहा है भाई, इससे हम एटॉमिक रेडियस बता रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर रहा है, रिपल्शन कर रहा है। मतलब अट्रैक्शन फोर्स रिपल्शन फोर्स लगभग एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। तो साइज क्या हो रहा है, साइज क्या हो रहा है, विल बी कॉन्स्टेंट हो रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ नेक्स्ट, जैसे ही 10 आया 9 आया 10 आया, इस कंडीशन में पावरफुल हो गया, मतलब जो अभी बोला था मोबाइल वाली कंडीशन, न्यूक्लियस ने कवर कर, न्यूक्लियस को कवर कर लिया अच्छे से, तो क्या ये इसको अट्रैक्ट कर सकेगा, नहीं,
ये कहाँ चले जाएगा? ये दूर चले जाएगा, दूर। ये आपका मोबाइल था, शुरू शुरू में आप मोबाइल को पकड़ रहे थे, 5 इलेक्ट्रॉन में आप मोबाइल को पकड़ सकते थे, लेकिन कुछ दीवार बनने लगी तो थोड़ी आपको दिक्कत आई। दिक्कत आई तो आपका फोर्स भी लगा, दीवार का फोर्स भी लगा, बराबर हो गया। लेकिन अब तो फुल तरीके से दीवार बन गई तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, मोबाइल दूर हो गया। तो यहाँ पर रीजन क्या देना आपको, स्कैंडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ठीक है, मैग्नीज। साइज क्या हुआ, डिक्रीज। उसके बाद क्या आएगा, पिकोनी, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, दोनों फोर्स साथ में काम कर रहे हैं। साइज क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट, लेकिन लास्ट में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? और इसमें कौन सा फैक्टर बोलोगे आप, इसमें काम कर रहा है स्क्रीनिंग इफेक्ट। समझो बात को, समझ में आ गया? Yes, 3D में भी वही कॉन्सेप्ट है, 4D में भी कॉन्सेप्ट है, 5D में भी कॉन्सेप्ट है। बस आपको दो टाइम में समझना है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है ना। सबसे अच्छी स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं ना। सबसे खराब शील्डिंग किसमें होती है, सबसे बेस्ट तो होती है किसमें, एस में होती है, पी में भी अच्छी होती है, डी में, है ना, ठीक है। सबसे खराब शील्डिंग किसमें होती है, एफ में, ये मैं पूछूंगा आप। ओवर शील्डिंग होती है ना, ओवर शील्डिंग बोलते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता हूँ। किसी को कोई पूछना है, ठीक है। ये ग्राफ है, ये ग्राफ जो हमने पढ़ा था अभी ना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, ग्राफ ऐसा क्यों गया, ये ग्राफ ऐसा क्यों गया, इसका रीजन हमको देखना था। तो इसका रीजन क्या है, जो मैंने आपको समझाया है बोर्ड पे वही रीजन है इसका। तो एक बार देख लो आप लोग वापस से, स्कैंडियम, टाइटेनियम और क्रोम क्या बोल रहे हैं, एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। उसका रीजन क्या दिया हमने, यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काम कर रहा है। फिर इन तीनों की बात करें तो नियरली कॉन्स्टेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो रहा है। और कॉपर अगर जिंक के केस में बात करें तो क्या हो रहा है, यहाँ पर स्लाइटली इंक्रीज हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन डोमिनेंट है, मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेंट है, आप ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। बाकी का अगर आपको लगता है तो आप बुक में और डीप में इसको पढ़ सकते हैं। जो बच्चे मुझे वीडियो में देख रहे हैं वो वीडियो में जाकर के ये पहला लेक्चर जरूर देखें, नहीं तो उनको जो सेकंड लेक्चर है बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट टाइम हमारा रहेगा 6 AM, और ये बात जो रिकॉर्डेड वीडियो में आने वाले समय में बच्चे देखेंगे उनके लिए नहीं है, ये जो ऑनलाइन जिन्होंने क्लास अटेंड करी है सिर्फ और सिर्फ उनके लिए।